इंडिया में ऑनलाइन साइबर अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है और अभी डीमार्ट और बिग बास्केट की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रही है कि यहां से लोगों का डेटा चोरी हो रहा है खत्म और उनको टारगेट किया जा रहा है, तो इस तरह का कुछ अपडेट है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला साइबर अटैक कब हुआ था? वो दोस्तों जब हुआ था तो आप भी टेंशन में हो जाएंगे ना, उस टाइम लैपटॉप था ना, कंप्यूटर था ना इंटरनेट था। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये जो हुआ था एक टेलीग्राफिक सिस्टम के जरिए हुआ था फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज में 1883 ईस्वी में, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको ये चीज पता था? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 पे हमने वीडियो बनाया, जाके देख लीजिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आपका जो फोन अभी मौजूदा है वो कितने प्राइस का है। सबसे ज्यादा वोट आया है, 35% लोगों ने कहा कि 15,000 से 25,000 के रेंज में फोन यूज करते हैं, और कुछ अल्ट्रा लेजेंड है जो 35,000 से ऊपर का फोन यूज कर रहे हैं, जो 4% लोग है। आपका फोन कितने प्राइस का है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए पहले न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। तो बात करते हैं चैट जीपीटी की। इसका ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कनाडा जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद ये तय करेगा कि इसको कनाडा में बैन किया जाए या नहीं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन आपको क्या लगता है ये बैन होगा कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल का एक ऑफलाइन स्टोर खुला है मुंबई के BKC में। अब ये कौन सा जगह है आप ही जाके चेक कर लीजिएगा अगर मुंबई से देख रहे हैं। लेकिन अगली अपडेट आ रही है iOS 17 के तरफ से। इसमें XS और XS Max के ऊपर जितने भी डिवाइस है अभी तक का सबको iOS 17 मिलेगा, मतलब 8 सीरीज से लेके नीचे जितने भी डिवाइस है उसको नहीं मिलेगा। तो इस तरह का कुछ अपडेट है। आपका फोन कौन से रेंज में आता है कमेंट में। चलिए वक्त होता आपके सवाल लेने का। तो मिस्टर कैफ का सवाल है कि रियलमी 10 प्रो प्लस का बैटरी बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो रहा है। वैसे कल एक वीडियो आएगा सुबह के 9 बजे, काफी जबरदस्त वीडियो रहेगा, स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन बात ऐसा है कि नया अपडेट के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है जो रोल आउट किया गया है 8.26 का, जिसमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन और बैटरी को फिक्स किया जाएगा यहाँ पर। वैसे कल का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीज उसमें बताया। चलिए अगली अपडेट आ रही है Xiaomi 13 अल्ट्रा की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, जिसमें क्वाड कैमरा सेटअप होगा जो चारों 50 मेगापिक्सल का होगा, पेरिस्कोपिक और अल्ट्रा वाइड सब कुछ, और यही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4900 mAh की बैटरी, 90 वाट का फास्ट चार्जिंग, 50 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, LPTO वाला डिस्प्ले 6.7 इंच का जिसमें 1800 nits पीक ब्राइटनेस तक का जाएगा और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, आप लोगों को ही पता है। आपको ये फोन कैसा लगा? वैसे अल्ट्रा इस बार कितना अल्ट्रा करेगा, कुछ नया होगा या नहीं कमेंट में। वही अगली अपडेट आ रही है Redmi Note 12S के तरफ से। SIRM सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, देखने को मिलेगा। आप इंटरेस्टेड रखते इस फोन के लिए कमेंट में जरूर। चलिए अगली अपडेट आ रही है Realme की तरफ से। जैसे मैंने बताया कि Realme 10 Pro Plus में नया अपडेट आ चुका है 8.26 का, तो अपडेट करिए। वैसे शॉर्ट वीडियो में हमने बताया है कि क्या क्या आया है, जाके जरूर देखिए और बताइए आपको कैसा। अगली अपडेट आ रही है Samsung की तरफ से, Samsung Galaxy A24। ये जो है FCC सर्टिफिकेशन और इसके वेबसाइट में लिस्ट हो गया Snapdragon 680 प्रोसेसर के साथ और जबरदस्त कैमरा वगैरह होगा। देखिए इसकी प्राइस क्या होगी, वैसे फर्स्ट लुक देख सकते हैं जो कुछ इस तरह का। आपको कैसा लगा कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है इसी का, Samsung Galaxy Tab S9 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है 8 Gen 2 के साथ आने वाला है, 10,000 mAh की बैटरी होगी, LPDDR5X वाला RAM, UFS 4.0 का सपोर्ट, काफी जबरदस्त लग रहा है ये। देखिए जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? वैसे एक चीज बताना भूल गया, IP68 का रेटिंग है, काफी जबरदस्त रहेगा। वैसे प्राइस भी काफी जबरदस्त रहेगा, इसलिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, तो हम आपको सारी डिटेल देंगे। अगली अपडेट आ रही है Vivo की तरफ से, Vivo का X Fold 2। ये जो फोन है 120 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ इस बार देखने को मिलेगा। वही Vivo का सब ब्रांड का Z7X, ये जो फोन है Google Play कंसोल में लिस्ट हो गया है इंडिया में और ग्लोबली बहुत ही जल्दी जाने वाला है, वही Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ। आपको कुछ पता था कमेंट में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली खबर भी iQOO की तरफ से आ रही है, iQOO का iQOO न्यू 8 प्रो। ये फोन आने वाला है जिसमें Dimensity 9200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये मई के मंथ में लॉन्च होगा इंडिया में, इस तरह की कुछ अपडेट है। आप इंटरेस्टेड रखते हैं iQOO के इस सीरीज के लिए। वैसे न्यू 7 काफी जबरदस्त है, जो भी है जरूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है Motorola H40 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह देखने को मिलेगा, 8 Gen 2 के साथ होगा, जबरदस्त कैमरा। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। लेकिन आप इंटरेस्टेड रखते हैं इस फोन के लिए कमेंट में जरूर बताइए।
OnePlus का Note CE 3 Lite कल लॉन्च हो चुका है, जो काफी अमेजिंग प्राइस के साथ आया है। 20,000 रुपए इसका प्राइस है। इसमें मिलता है Snapdragon 695 का प्रोसेसर, 108 प्लस 2 प्लस 2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग, IPS डिस्प्ले 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज के साथ। लेना चाहेंगे? मुझे तो ये फोन चमन जैसा लगा और गजब बेइज्जती है, ओवर प्राइस लगा। आपको कैसा लगा? विद लाइट राइडर इसमें नहीं है, कमेंट में जरूर बताइए। टेक्नो कैमोन 20 प्रो, ये जो फोन है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हीलियो का G99 प्रोसेसर के साथ ये फोन आएगा। वैसे आप टेक्नो कैमोन अच्छे पे भरोसा रखते हैं, कमेंट में जरूर। बात करते हैं लास्ट न्यूज, लावा ब्लेस 2, ये जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 10,000 में लॉन्च होगा, लेकिन 10,000 का सबसे तगड़ा और जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आएगा। वैसे फर्स्ट लुक देख सकते हैं, आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर। तो टेक न्यूज होती है खत्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, तो लाइक करिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी सवाल कमेंट में पूछिए, और कल सुबह 9 बजे काफी जबरदस्त वीडियो आ रहा है, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।